हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है सौम्या कृष्णा घोष जी ने, और ये लिखते हैं, इफ डेस्टिनी इज फिक्स्ड देन व्हाई शुड वी वियर जेमस्टोन, प्लीज एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड है तो हम रत्न क्यों पहनते हैं, पूजा पाठ क्यों करते हैं, रेमेडी क्यों करते हैं, जब कुछ पहले से ही भगवान ने ऊपर वाले ने लिख दिया है। देखिए, बात बिल्कुल सच है कि डेस्टिनी जो है हमारी वो पहले से फिक्स्ड है कि इंसान का जन्म, उसका मरण, उसकी सक्सेस, उसकी मैरिज, फ्रेंडशिप, बिजनेस, सारी चीज़ें पहले से फिक्स्ड हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा है कि जेम स्टोन का फिर मतलब क्या है जब सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। देखिए, जीवन में कुछ भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जीवन में किसी से मिलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है किसी के आने से, और कई बार आपने ये देखा होगा कि किसी के आने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कारण क्या बना? कारण वो बना, वो इंसान जो आपसे मिला, उसके कारण आपको बेनिफिट हुआ, उसके कारण आपको नुकसान हुआ। ऐसी ही कई बार और भी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने बोला कि जब से मैंने ये घर खरीदा है मैं तो मालामाल हो गया, और जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है मैं तो बर्बाद हो गया, जब से मेरे घर में इस बच्चे का जन्म हुआ है मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ, जब से मेरी इससे शादी हुई है मैं बर्बाद हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपने लोगों से सुनी होगी। तो यानी कारण कोई ना कोई होगा जिसके कारण आपको या तो नुकसान होगा या फायदा होगा। तो जेमस्टोन जो है उनका भी वैसा ही रोल है आपके जीवन में, क्योंकि जितने भी राशि रत्न होते हैं इनका संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है, और जो अलग अलग ग्रह होते हैं वो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारी जो डेस्टिनी है वो उनके कंट्रोल में है। तो जब हमारी डेस्टिनी, हमारा जीवन ग्रहों के कंट्रोल में है और राशि रत्न जब हम पहनते हैं तो उससे हमें कई बार बेनिफिट भी होता है और लॉस भी होता है। लॉस आपको जब होता है जब आप कोई ऐसा रत्न पहनते हैं जो आपको फेवर नहीं कर रहा है, या प्लेंटी जो दशा है वो आपके फेवर में नहीं चल रही है तो आपको लॉस होगा। लेकिन कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जैसे दशा आपकी अच्छी चल रही है और उसी दशा में उसी दशा का जो रत्न है वो आपने पहन लिया। जैसे मेरे हाथ में ये माणिक है रूबी, तो जब सूर्य की दशा चली थी तब मैंने ये रूबी पहना था, और रूबी के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से कि मैंने कुछ प्लान किया हो कि मैं मार्केट में गया पहले से प्लान करके मैं मुझे वहाँ से परचेज करना है। एक मेरे फ्रेंड थे, उनको कुछ लेना था तो उनके साथ में चला गया। अब उन्होंने कुछ परचेज किया तो साथ में बगल में जेमस्टोन की दुकान थी, शॉप थी मतलब, तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पर मुझे रूबी पसंद आ गया, मैंने ले लिया। फिर जब मैं घर आया तो मैंने दो तीन दिन बाद अपना चार्ट देखा तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी कुंडली में सूर्य की दशा लगी है दो तीन दिन से, और वो दशा जो है पूरे एक साल चली थी। तो ऐसा होता है कि डेस्टिनी जो है वो आपको उन चीज़ों के पास पहले ही पहुँचा देती है जहाँ से आपको बेनिफिट होना है या लॉस होना है। तो रत्न और रत्न से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, रत्न के अलावा चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, कोई इंसान हो, प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, इन सब का संबंध आपकी डेस्टिनी से जुड़ता है। तो जो भी कुछ हो रहा है जीवन में वो सारी चीज़ें मिलके ही आपकी डेस्टिनी कंप्लीट होती है, तो रत्न भी उसी के अंदर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने जवाब दिया है इस जवाब से आप सेटिस्फाई होंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका सौम्या जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया रत्न और डेस्टिनी के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी डेस्टिनी के बारे में या रत्नों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।